center is releasing crores of rupees under NRHM to Jammu and Kashmir state for developing health facilities. But people residing in this area just demand a primary health center, which is an immediate need of the hour. प्राइमरी हेल्थ सेंटर न होने की सूरत में आपको कौन कौन सी परेशानी का मुकाबला करना पड़ता है? हर एक परेशानी का मुकाबला करना पड़ता है। सबसे पहले हमारे यहाँ पर इमरजेंसी में बीमार को उठाना पड़ता है, कोई गाड़ी नहीं मिलती है वक्त पर, तो इसको किसी भी सूरत में किसी भी तरीके से हम कोई चारपाई के ऊपर उठा कर इसको ले जाते हैं पार नेशनल हाईवे, मतलब हाईवे पर जहाँ पर बसें वसें मिलती है, वहाँ से फिर सोमो करना पड़ता है, कोई भी गाड़ी करनी पड़ती है तो इनको श्रीनगर ले जाना पड़ता है। अच्छा, जब मौसम ख़राब होता है उस वक्त क्या करते हैं आप? फिर हमें उसको कंधे पर उठाना पड़ता है, औरत हो कोई भी, प्रेग्नेंट होती है कोई औरत। डिस्पाइट द गवर्नमेंट क्लेम्स ऑफ मेकिंग कश्मीर डिजीज फ्री एंड प्रोवाइडिंग द हेल्थ फैसिलिटी इन एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ द स्टेट, देयर आर 14 विलेज इन डिस्ट्रिक्ट बड़गाम हैविंग पॉपुलेशन ऑफ 12,000 विदाउट अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर फैसिलिटी। जो है डॉक्टर साहिबान जो यहाँ है वो असली डॉक्टर नहीं है, एक कंपाउंडर है यहाँ पर, वही हमें इलाज करता है हमारे बीमारों। जो हमारी औरतें हैं उनको वक्त पर इलाज नहीं होता है, लेडी डॉक्टर का हमें बहुत प्रॉब्लम है। मतलब पीएचसी आपके पास है अवेलेबल यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर? जी नहीं, हमारे पास प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं है। Under the Indian system of medicine, one dispensary is operating in this area, which remains open for only 10 hours. In case of accidents, this dispensary can't provide treatment to the injured ones and does not meet required basic facilities of health. डॉक्टर साहब आते हैं सुबह 10 बजे अपनी ड्यूटी पर, 4 बजे जाएंगे। यूनाइटेड डिस्पेंसरी जो है ये समझ लो एक हकीमाना इलाज है, ये जितना भी इनसे हो सकता है उतना ये लोग करते हैं। लेकिन यहाँ अगर प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता तो हम लोग बराबर 24 घंटे यहाँ पर कोई डॉक्टर रहता तो हम लोगों को कोई वैसी परेशानी नहीं उठानी पड़ती है। आप हमें बताइए इस डिस्पेंसरी में आप कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं इमरजेंसी के दौरान, आप क्या करते हैं? इमरजेंसी की बात है, हम लोगों को इलाज करते हैं, चाहे वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो, चाहे यूरिनरी ट्रैक्ट हो, चाहे वो फीवर हो, चाहे वो कफ हो। 24 घंटे खुला रहता है यहाँ पे? 24 घंटे खुला नहीं रहता है। तो ड्यूरिंग इमरजेंसी यहाँ के लोग क्या करते होंगे? जब इमरजेंसी हम लोगों को आती है हमारे पास जो है यूनानी दवाई हमारे पास है, इसके अलावा अगर कोई इमरजेंसी हो, कोई एक्सीडेंट हो, कोई डिलीवरी हो, उनको रेफर करते हैं हम लोग एलडी या किसी बड़े अस्पताल में करते हैं। फॉर द पास्ट मेनी इयर्स द रेजिडेंट्स ऑफ जुगू एंड अदर एडजॉइनिंग एरियाज हैव बीन डिमांडिंग द प्राइमरी हेल्थ सेंटर। यहाँ होना चाहिए था अस्पताल की फैसिलिटी, होना चाहिए थी डॉक्टर भी, ऐसा होना चाहिए था जो कम से कम यहाँ पर एक हफ्ते में एक ही बार एक ही संडे वो अपने घर में गुजारे, बाकी वो यहाँ पर ही रहना चाहिए। हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक हॉस्पिटल बने। गवर्नमेंट हमें बहुत वादे देती है, गवर्नमेंट हमें ये कहते हैं कि बस हमने आपको पुल दिया है, बस आपके लिए काफ़ी है, लेकिन पुल से काम नहीं चलेगा सर। इस वक्त आप देखिए हर जगह हॉस्पिटल है, डॉक्टर साहिबान है, लेकिन इस इलाके को कोई पूछता नहीं है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन गाइडलाइंस, वन प्राइमरी हेल्थ सेंटर मस्ट बी अवेलेबल फॉर द एरिया कंप्राइजिंग द पॉपुलेशन ऑफ 2000। Zugu area has about the population of 14,000. This is the condition of health sector in Jammu and Kashmir. I am Sajjad Rasool reporting from Zugu, Badgam for India Unheard.